एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने के इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी हैंडशेक करवा के, और एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? एक बार और बोलो, एक बार और अच्छे से एक बार और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है? फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी? कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट, और रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं बहुत खुले खुले से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, एंड आई रियली रियली आई एम ग्लैड दैट रणवीर ने हम दोनों की जोड़ी बनाई, हम दोनों को मिलवाया। कार्तिक आर्यन और सारा अली खान क्या सचमुच है इन लव आजकल? कल तक जिनको माना जाता था एक्स, उनकी लंदन में न्यू ईयर मनाने की खबरों ने फिर उनके डेटिंग रूमर्स को हवा दे दी है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई, जिसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि लंदन में साथ होकर भी अलग अलग थे कार्तिक आर्यन और सारा अली खान, या फिर दूर दूर रहकर भी दोनों ने एक साथ वेलकम किया है ईयर 2023। कार्तिक आर्यन ने लंदन में ईयर 2022 को अलविदा कहा, तो सारा ने भी वेलकम किया ईयर 2023 को, और दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर पोस्ट वाले पोस्ट को देखकर फैंस ने कनेक्ट किए सारे डॉट्स और पहुंच गए इस कंक्लूजन पर कि कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने एक दूसरे को अपनी लाइफ में दोबारा वेलकम कर लिया है। कुछ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ने भी यही इशारा दिया है, लेकिन दोनों एक्टर्स से एक सोर्स ने रिवील किया है इन डेटिंग रूमर्स का पूरा सच। सोर्स का कहना है, दे बोथ हैपन टू बी इन एंड अराउंड लंदन फॉर न्यू ईयर्स, बट दे आर डेटिंग और रोमांटिकली इन्वॉल्वड, दे आर डेफिनेटली फ्रेंड्स एंड ऑन टॉकिंग टर्म्स, बट दैट्स अबाउट इट। बता दें कि दोनों के डेटिंग रूमर्स लव आजकल 2 से पहले ही शुरू हो गए थे। करण जौहर के चैट शो में पहुंची सारा से जब करण ने पूछा कि वो किसे डेट करना चाहेंगी, तो सारा ने लिया था कार्तिक का नाम, और फिर इम्तियाज अली की फिल्म के सेट से लगातार दोनों की लव स्टोरी के चर्चे सुनने में आते रहे। हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले ही दोनों की राहें हो गई जुदा, दोनों ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा, पर करण अपने शो में ये कह चुके हैं कि सारा ने कार्तिक को किया था डेट, लेकिन सोर्सेस से मिले इशारे के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि कार्तिक और सारा एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। वैसे दोनों के डेटिंग रूमर्स और ब्रेकअप की खबरों के बाद सारा का तो कोई सीरियस अफेयर सुनने में आया नहीं। हाँ, हाल ही में कार्तिक आर्यन और पश्मीना रोशन के डेटिंग रूमर्स जरूर सुनने में आए थे, तो उन रूमर्स का सच भी हम आपको जल्द ही पता लगा कर बताएंगे।